जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, ये हम आप सबको ये कह रहे हैं कि जो माइनर बच्चे हैं, यानी कि छोटे बच्चे हैं, जिसके पास लाइसेंस नहीं है, ऐसे बच्चों को आप बाइक हो या कार हो ना दें, क्योंकि अगर आप इनको दोगे तो आप खुद इनकी जान खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि ये बच्चे सड़कों पर बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं और कहीं भी एक्सीडेंट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस और कानून मिलकर जो गाड़ी देने वाले हैं या कार हो बाइक, इन्हें भी जुर्माने आयद कर रही है और ऐसे बच्चों को भी बहुत ही भारी जुर्माने आयद हो रहे हैं। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि छोटे बच्चों को आप बाइक हो या कार हो ना दें, ये भी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों की भी जान को जोखिम में डाल रहे हैं कि रोडों पर गलत गाड़ी चलाकर। आइए देखते हैं एक ट्रैफिक CI साहब जो ये वीडियो बनाए हैं। माइनर పిల్లలకు లేదా డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వారికి బండి ఇస్తున్నారా? అయితే మీరు చిక్కుల్లో పడ్డట్టే. మానవ తప్పిదాల వల్లనే రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. నైపుణ్యం లేకుండా డ్రైవింగ్ చేయడం వలన ప్రమాదాల సంఖ్య పెరుగుతుంది. మైనర్లకు బండి ఇస్తే బండి ఇచ్చిన తల్లిదండ్రులపై లేదా ఓనర్పై కేసు నమోదు చేయబడును. చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోబడతాయి. కాబట్టి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ లేని వారికి మైనర్లకు బండి ఇవ్వకండి. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।